everybody. Merry Christmas to all of you. आप लोग अच्छे होंगे ऐसा करती हूँ और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सब्जी बना रही हूँ, सुबह का सब्जी रोटी बना रही हूँ और बहुत लेट हो गया है क्योंकि इस समय फुर्सत है, इस समय सरस्वती की स्कूल नहीं है, है ना, छुट्टी लग गई है, क्रिसमस की छुट्टी लग गई है तो टाइम से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा लेट ही हो जाता है, स्कूल रहता है जल्दी रख जाते हैं थोड़ा सोचा था तो हो गया तो लेटे होता है। 9 बज गया है, 9:30 हो गया, 9 बज गए, उसी समय काम पूरा करते ही जाता था। अभी मेरा काम स्टार्ट हुआ, चाय भी पी रही हूँ अभी, और ये मैं किचन में सब्जी और पूड़ी बना ली थी क्योंकि लेट जगी थी तो सब्जी पूड़ी बना ली। उसके बाद मैं अपने बर्तन खाली करके चाय के और सब्जी का बर्तन था तो वही बर्तन मैंने साफ किया है और शाम का भी बर्तन रखा हुआ था, ये थोड़े से बर्तन थे तो मैंने नहीं धोया था और वही पूरा बर्तन मैंने क्लीन किया है अच्छे से। अब कुछ मेरे डिब्बे भी रखे हुए थे अचार के तो उसको भी अच्छे से क्लीन किया है कि क्लीन खाना बनाने के बाद सारा अच्छे से साफ कर लो तो किचन अच्छा लगने लग जाता है। तो मैंने पूरा किचन वही बनाने के बाद सब्जी पूड़ी और ये देखिए पूड़ी और ये सब्जी और पूरा किचन का पट्टी वगैरह मैंने साफ कर लिया। इसके बाद ये आगे छत में चावल बनाने के लिए, चावल मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने चावल 2-3-4 दिन से ऐसे थोड़ा बना रही थी तो मैंने सोचा इकट्ठा ही थोड़ा सा पटक लेती हूँ तो कुछ दिन के लिए हो जाएगा क्योंकि गांव का होता है तो उसमें कंकड़ और कचरा ज़्यादा रहता है तो बना के रख लो तो ज़्यादा सही रहता है कि समय भी नहीं लगता। तो वही मैंने चावल बिना थोड़ा सा बनाई थी और ये छत में ही थी तो छत के नीचे लोग वही अमरूद वाला आया था तो ये कुछ लोग अमरूद ले रहे थे, ठंड में अमरूद बहुत लोग खाते हैं और टेस्टी भी रहती है अमरूद की। और ये छत का व्यू है मेरे दोपहर का व्यू है, छत में बदली छाई हुई है क्योंकि इस समय 5-6 दिन से बदली वाला पूरा मौसम है, देख लीजिए धूप भी बहुत कम निकलती है, हल्की धूप हल्की छाँव में रहती है, ठंडा तो नहीं रहता बट बदली वाला रहता है पूरा। तो ये कपड़े मैंने सुखाया था तो शाम हो गई है, 4-5 बज रहे हैं लगभग, तो ये कपड़े मैंने निकाल लिया है, मशीन में डायर करके डालो तो जल्दी सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा धूप लगता तो सूख जाता है। ठंडा जी तू है, हेलो, शाम हो गई है, अब मैं बनाऊंगी आज सैंडविच, ब्रेड सैंडविच और वो भी सब्जी वाला सैंडविच, ब्रेड सैंडविच, ये टमाटर और प्याज के साग और प्याज के पत्ते जाओ यहाँ से, तो ब्रेड सैंडविच बनाने जा रही हूँ मैं। ये बेसन मैंने निकाल लिया है, इसमें मसाला डाल दिया है, धनिया मसाला और नमक और थोड़ी मिर्ची, अब इसका घोल बना लेंगे बेसन का। बेसन वाला सैंडविच बना रही हूँ ब्रेड में और ये सब्जी लपेट के उसमें बनाऊंगी लगा के, तो मैं इस बेसन का घोल बनाऊंगा अच्छे से और फिर ब्रेड सैंडविच इसी में लपेट के बनाऊंगी, इसको घोल बना के और सब्जियाँ इसमें चिपका के बहुत टेस्टी लगता है, सब्जी लगा के बनाओ तो मत परेशान करो यीशु। ये मेरा ब्रेड सैंडविच हो रहा है रेडी, बेसन और सब्जियों वाला लग रहा है, अभी बन रहा है तो ये मैं पहली बार ट्राई की हूँ, बेसन में सब्जियाँ डाल के लपेट के उसके ऊपर डाल के बनाई हूँ। तो ये फ्रेंड मेरा ये थोड़ा बन गए हैं, ये देखिए 2 वेजिटेबल्स सैंडविच और बेसन के साथ बनाई हूँ
बहुत सारी सब्जियां भी लगाई हूँ इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से ही पक गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है। लो ऐसे कर देखा, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। सब्जी वाला सैंडविच बना है, ये देखिए मस्त जैसे ऑमलेट ऐसे जैसे लग रहा है। ब्रेड पकौड़ा तो थोड़ा सा बेसने बेसन टाइप में लगता है, लेकिन ये पूरा सब्जियां डाला है इसमें। सब्जी डाली हूँ प्याज का पत्ता और प्याज और टमाटो ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, टेस्टी होगा भी। ये सुखारा सैंडविच, ब्रेड सैंडविच और सब्जी। मम्मी हर दिन देसी जुगाड़ करती है और डैडी के लिए खाना बनाती है और डैडी के लिए झाड़ू पोछा लगाती है। डैडी देख लो।